पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, और गतिविधियों में सबसे पहले अगर नाम लिया जाए तो कांग्रेस की गतिविधियां काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन तमाम यात्राओं से राहुल गांधी ने अपनी एक छवि भारत की जनता के बीच जो बनाई है, उस छवि से बेशक 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी जिस जिस राज्य से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उनके पीछे युवाओं की एक टोली नजर आ रही है। युवाओं के बीच में राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास है, वो इस भीड़ के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने जो पूर्व में खुलासे किए हैं नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उससे जनता में कितनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं, इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से वो पुराना दिन याद दिलाना शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आ रही थी तो उन्होंने क्या क्या कहा था। नरेंद्र मोदी के भारत में आने से, प्रधानमंत्री बनने से, उनकी नीतियों से जो भारत की जनता को परेशानियां हैं, जो भारत की जनता झेलती है, उस पर उन्हें पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही भाप लिया था कि मोदी सरकार की नीतियों में भारत का विकास नहीं है। मोदी सरकार ने GST लागू किया, इसके लागू होते ही राहुल गांधी ने बता दिया था कि ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, जो न सिर्फ आम जनता के थाली से निवाला छीनेगी, बल्कि छोटे और मझौले कारोबारों को बेरोजगार बना देगी। इसके लागू होने के बाद राहुल गांधी की बात सच हुई। कारोबारियों में मोदी को लेकर GST के खिलाफ काफ़ी रोष उमड़ पड़ा। GST के लागू होने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ती गई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। मोदी ने अचानक देश में नोटबंदी किया। राहुल ने अगले दिन ट्वीट किया, पूछा कि 1000 के नोट बंद करने के बाद 2000 का नोट चलाने से काला धन वापस आएगा। राहुल इस बार भी सही साबित हुए। RBI की रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि 99% नोट वापस आ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में कुल नोट का महज 0.7% ही काला धन था? क्या इसी 0.7% काला धन के लिए इतने बड़े स्तर पर नोटबंदी की गई जिसमें जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई? इस बार भी राहुल गांधी सही साबित हुए। भाजपा ने किसानों की मर्जी के बगैर किसान बिल ला दिया, देश के किसान आंदोलित हुए। राहुल ने फिर इस बार कहा कि ये बिल किसानों को बर्बाद कर देगा, इसे वापस लिया जाए। अंतम मोदी हट के बाद उनके झुकने का भी समय आ गया और बिल को वापस ले लिया गया। राहुल फिर सही साबित हुए। राहुल ने सबसे ज़्यादा सवाल आमदनी को लेकर, अदानी को लेकर के किया था, जिसको लेकर आज तक मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अदानी को लेकर एक बार कई खुलासे किए हैं राहुल गांधी ने, लेकिन भाजपा मौन रही। आज पूरा देश जानता है कि अदानी और मोदी की मृत्युता ने देश का कितना आघात किया है। इस तरह राहुल ने एक्सट्रोल बॉन्ड को लेकर वजूद में आते के साथ ही कहा था कि भाजपा के भ्रष्टाचार का नया तरीका है, अब संविधान पीठ ही अवैध करार दिया गई है। साथ ही अभी निकल कर सामने आया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने सबसे ज़्यादा चंदा भाजपा को ही गया है। राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड भाजपा का चंदा दो धंधा हो गया है। राहुल यहाँ भी सही साबित हुए। इसके अलावा कई बातें राहुल गांधी ने कही है जो भारतीय जनता पार्टी पर भविष्यवाणी जो है वो कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिख रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।